नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामल मित्रा, संबलपुर टीवी में आपका स्वागत है। तो आज संबलपुर के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, जो आदिवासी समाज के लिए तो बहुत महत्व रखते ही हैं, साथ में पूरे भारत के लिए बहुत महत्व रखते हैं। अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी अपने भाषण में उनका जिक्र किया है। तो कौन है बिरसा मुंडा? जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादातर लोगों को बिरसा मुंडा जी का नाम पता है, और हमारे संबलपुर में ऐठापल्ली चौक में उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। बट क्या हम बिरसा मुंडा जी के बारे में इस बात के अलावा कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उससे ज़्यादा जानते हैं? तो आज मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में आपको बताने की, जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनकी। जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी बिरसा मुंडा जी की, कि मात्र 24 साल की उम्र में, सोचिए 24 साल की उम्र क्या होती है, और उसमें वो देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दी है, और उनकी जो देहांत है वो रांची के जेल में हुआ था। आज आप इमेजिन कीजिए कि चाहे किसी भी तबके का हो, एक 24 साल का युवा क्या करता है आज की डेट में, या तो पढ़ाई करता होता है या तो अपनी इंजॉय करता होता है लाइफ को। और अगर हम आदिवासी समाज में आ जाएँ तो आप इमेजिन कीजिए, आदिवासी समाज का कोई लड़के के बारे में, 24 साल के लड़के के बारे में हमारे माइंड में क्या इमेज आता है। तो मैं आज उन सभी आदिवासी युवाओं से ये कहूँगा, कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से, कि आप सोचिए आप किसकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं बिरसा मुंडा जी की। तो आप खुद से पूछिए कि जब वो इतने महान हो सकते थे 24 साल की उम्र में, तो आप भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं आपकी इस उम्र में। एक बार उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि वो क्या थे। सिर्फ बिरसा मुंडा जी को आप जानते हैं, सॉरी मानते हैं, उनके उनकी जयंतियों को मानते हैं, बट क्या हम उन्हें रियल में जानते हैं? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में आपके झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। और बिरसा मुंडा जी जो है वो बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। वो जब अपने युवावस्था में स्वतंत्रता के अभियान में लगे, और फिर उन्हें जेल भी हुई, और उसके बाद वो उनकी उनके देहांत हो गया था। तो बिरसा मुंडा जी बहुत ही साहसी और वीर थे, तो आज हमारी ओर से उनको श्रद्धांजलि। तो आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे उनका जो एक जुलूस निकलता है साखीपाड़ा से, उसको हम कवर करेंगे, और साथ में हम आपको उनका जो कल्चरल प्रोग्राम होगा वो भी दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो आप, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे।
ट्रैफिक खड़ा नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक होगा ना, वहाँ खड़े होंगे।
Thank you.
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.